गाइस, मैं डुमराव टीवी का मालिक अमृत राज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और फाइनली टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू कवर रीजनिंग विद इन 24 डेज और स्कोर कैसे 30 से लेकर के 45 प्लस तक पहुंचा है। बहुत लोगों का 30 स्कोर आ रहा है। पूरा का पूरा वीडियो ध्यान से देखना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को दिल से आवाज है तो ही सब्सक्राइब करना, ठीक है। वैसे डुमराव टीवी काफी हम लोगों ने कॉन्टेंट दे दिया है, इतना सारा कि पूछो मत यार, काफी लोगों को सीखने को मिल रहा है। नाउ यू हैव टू ऑप्शंस, यहां तो भैया डरते रहो नहीं तो अभी करने का समय है। अगर रीजनिंग 30 क्वेश्चन अभी अगर मान लो 30 नंबर अगर आ रहे हैं मॉक वॉक में, अगर 45 तक पहुंचना है तो भैया आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है और माइंड सेट की जरूरत है कि माइंड सेट थोड़ा सा मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में इसको ले जाओ। बहुत लोग डर रहा है, बहुत लोग परेशान है। अरे भाई काहे डरते, वहां तुम्हारा कौन क्या बिगाड़ लेगा यार, समझ रहे हो। लाइफ में डरो मत, लाइफ में अपने काम पर ध्यान दो और अपना काम करते रहो, ठीक है। अब एक बात हम बता रहे हैं मेरे भाई, अगर रीजनिंग में 45 प्लस लाना है ना, ठीक है। देखो रीजनिंग चारों सेक्शन में वन ऑफ द इजीएस्ट सेक्शंस बोल सकते हो। ऐसा इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि 25 क्वेश्चन में सारे के सारे बंदे आराम से 17 से 20 क्वेश्चन तो बनाते ही बनाते हैं, यानी कि 17 से 20 क्वेश्चन सब लोग बनाते हैं, यानी कि ये क्वेश्चन इजी होते हैं, वो बनेगा ही बनेगा। असली गेम मात्र के लास्ट के 4 और 5 क्वेश्चन में, लास्ट के नहीं मतलब 4 और 5 क्वेश्चन में ही होते हैं, समझ रहे हो। वही परेशान करते हैं बच्चों को। इसके लिए देखो, अगर मान लो हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं, सपोज करो कहां कहां परेशानी आएगी, हम बनाते जा रहे हैं रीजनिंग, किसी भी क्वेश्चन को ईगो पे लोगे तो थोड़ा सा भाई परेशान हो जाओगे, समझ रहे हो। आपको क्या करना है कि स्किपिंग आर्ट यूज करना है, क्वेश्चन बनाते जाओ, आया एकदम पकड़ में आ गया बना दो, पकड़ में आ गया बना दो। ऐसे क्या करोगे कि स्किप करके बनाओगे तो 17 से 20 क्वेश्चन इजिली बना लोगे शुरू के 10 से 11 मिनट में। बस माइंड सेट हेल्दी रखना, समझ रहे हो। अब सुनो, माइंड सेट क्या करना है मेरे भाई, हेल्दी रखना है। और अभी कैसे क्या क्या आपको लास्ट 24 दिनों में करना है, कोई भी देखो मॉक से कवर हो जाता है रीजनिंग, मॉक से कवर हो जाता है। जो जो अभी चैप्टर वीक है ना भाई आपका, जा करके यूट्यूब पे ये मेरा वाला वीडियो देख लेना, ठीक है। टेलीग्राम पे आओ, सारा का सारा वीडियो का लिंक प्रोवाइड करवा दिया, मैं अभी टैग कर दे रहा हूँ। सपोज करो कैलेंडर में दिक्कत है, क्लॉक में दिक्कत है, अरे जा करके आधा आधा घंटा का वीडियो है देख लो और 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो यार, ठीक है। एक दिन में रीजनिंग में 2-2 चैप्टर आराम से फिनिश कर दोगे, ठीक है। एक ये काम कर लेना जो भी चैप्टर वीक है, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब मान लो कि कोई भी मान लो कि नंबर सीरीज में बच्चा को प्रॉब्लम होता है, कोडिंग डिकोडिंग में प्रॉब्लम होता है, ठीक है, कुछ ऐसे हैं कि अल्फाबेटिकल सीरीज वाला में प्रॉब्लम होता है, कुछ करना नहीं है, मॉक लगा है वहां से एनालिसिस कर लो। नहीं तो कोई भी घर में अगर किताब है लास्ट 4 साल का, जा करके अभी के अभी उस चैप्टर उठाओ और बना दो। जैसे देखो हम क्या करते हैं, जैसे कोई भी मान लो कि ये पिनाकल का किताब है, इन्होंने क्या करा हुआ है कि लास्ट 4 साल का पूरा कंपाइलेशन दे दिया है, ठीक है, रीजनिंग में। हम क्या करें कि नंबर सीरीज में हमको दिक्कत आया, 500 इसमें लगभग क्वेश्चन होगा, जा करके बना दो, जरूरी नहीं कि 500 बनाओ, अरे शुरुआत का 300 तो बनाओ, बहुत सारा तो क्वेश्चन आसान होता है, जो जो तुमको लगे कि ये टफ है, इसका पैटर्न, ये चीज हमको कहीं नोट कर लेना चाहिए, पैटर्न नोट कर लो, ठीक है। यानी कि रीजनिंग में वही आपको देखो कौन कौन सा मेनली चैप्टर थोड़ा ज्यादा दिक्कत करता है, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेटिकल जो गैप आता है ना, और लेटर सीरीज, ठीक है। नंबर सीरीज में आएगा तो दिमाग में, अब देखो हम क्या करते थे ना मेरे भाई, दिखाते हैं थोड़ा आराम से बोलो अमित यार, क्या करते हैं। देखो जैसे हम मॉक देते थे ना मेरे भाई, तो देखो अब जैसे कि ये रीजनिंग हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है, ये क्या है नंबर सीरीज है, हम क्या कर रहे हैं लिख लिया, ठीक है, उसका सोल्यूशन भी लिख लिया, एग्जाम के टाइम पलट पलट के देख लेते थे। अब जैसे देखो मॉक का ये सारा है, अब देखो ये कोडिंग डिकोडिंग है ना, कोडिंग डिकोडिंग यहाँ पर हम लिख लिए, जो जो मेरा मॉक में गलत हुआ था, ठीक है, सब मत लिखने लगना, जो आसान है वो भी मत लिखना, जो जो तुमसे नहीं बना है और जो जो तुमको लग रहा है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इस पैटर्न को मेरे दिमाग में होना चाहिए, लिख लो एग्जाम के टाइम में, बस केवल पलट पलट के देखते रहो, तो क्या होगा ना कि इसे याद रहेगा कि कौन कौन सा पैटर्न है, समझ रहे हो। ऐसे कर लोगे ना मेरे भाई, हाँ कोई दिक्कत की बात है। और ये भी हम बता दिए, सब में कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज्यादा रीजनिंग को बहुत ज्यादा आसमान में मत चढ़ाओ, बता दे रहे हैं हम, ठीक है। कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है उसका प्रैक्टिस कर लेना, कोई भी अगर चैप्टर में प्रॉब्लम आ रहा है जाकर के वीडियो देखो, टेलीग्राम ग्रुप में आओ, सब कुछ वहां पे हम प्रोवाइड करवा दिए हैं, वीडियो का लिंक, ठीक है। स्किपिंग आर्ट यूज करना और मेनली जो जो चैप्टर बताया उस पर फोकस कर लेना, और जो भी तुम्हारा दोस्त वीक चैप्टर है उस पर फोकस कर लेना। अगर एग्जाम में नहीं अगर 45 प्लस ला दिया ना भाई, तो बात क्या यार, बात क्या, समझ रहे हो। तो थोड़ा सा दिमाग से हम लोग चलेंगे तो ही बेटर है मेरे भाई, थोड़ा सा दिमाग लगा लो, ठीक है, मेहनत करो। 17 से 20 क्वेश्चन हमेशा इजी आता है, और क्या बोलना था हमको, ठीक है। कोई भी घर में किताबें लास्ट 4 साल का, ठीक है, मेरी चॉइस पिनाकल है, इन्होंने क्या करा हुआ है चैप्टर वाइज टिल अगस्त 2022 तक पूरा दे दिए हैं ये लोग, ठीक है, कंपाइल करके अपना प्रीवियस ईयर, ठीक है। इसमें से कुछ चैप्टर को उठाओ, जो चैप्टर वीक है और बना जाओ, ठीक है। अब मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर सकते हैं अगर आपका दिल करे तो, सारा खेल दिल पे है यार, सारा खेल दिल पे। चलिए विनोद बंद कीजिए, चलिए।
लव यू यार, लव यू, लव यू, ठीक है। एक बात और अब लास्ट में, यहाँ तक तो बहुत लोग स्किप करके निकल गए होंगे, हम बता रहे हैं, जब जॉब हो जाएगा ना तो घर पे शादी का एक अलग प्रेशर बनेगा, समझ रहे हो ना, हम सही बता रहे हैं, जॉब ले लो तब पता चलेगा। बोल रहे मम्मी को 2 साल रुक जाइए यार, मतलब नहीं अभी कर लो अभी कर लो, अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, बंद करो विनोद, नहीं मैं बहुत बोलूँगा।